वेलकम टू जायका विद पूनम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रेड रोल मावा रेसिपी। इसके लिए मैंने 100 ग्राम मावा लिया है, थोड़ा सा चॉप ड्राई फ्रूट लिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधे मावे में मैंने फूड कलर मिक्स किया है, आधे मावे को मैंने प्लेन रखा है। आप चाहें तो फूड कलर मिक्स करें या इसे प्लेन भी बना सकते हैं। फूड कलर मावे में मैंने थोड़ा सा चॉप ड्राई फ्रूट डाला है, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके छोटे छोटे से रोल बना लेंगे। इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, साइड से प्रेस कर देंगे। सभी रोल ऐसे ही बनाना है। इसके बाद मैंने ब्रेड की स्लाइस ली है, इसके ब्राउन पार्ट को कट करके मैंने अलग कर लिया है। सभी ब्रेड की स्लाइसों को ऐसे ही कट करना है। मैंने 6 ब्रेड की स्लाइसें ली हैं। इस तरीके से कट कर लें आप। इसके बाद मैंने एक गिलास दूध लिया है, उसमें ब्रेड की स्लाइस को डिप कर दिया है। इसे हाथ से इस तरीके से प्रेस करें। इस तरीके से रोल बनाना है। ब्रेड के सेंटर में मावे के रोल को रखना है और जो ब्रेड के कोने हैं उन्हें फोल्ड करना है। उसके बाद उसे हाथों से रोल करना है। ये ऐसे प्रेस कर लेंगे ब्रेड को ताकि एक्स्ट्रा दूध निकल जाए। मावे को सेंटर में रख देंगे, कोनों को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। सभी रोल्स को इसी तरीके से बनाना है। सभी ब्रेड रोल इसी तरीके से बनाएं। इसके बाद चाशनी बना लेंगे। इसमें मैंने 1 कप पानी लिया है, 1 कप शक्कर ली है, 1 तार की चाशनी बनाई है मैंने। इसे इस तरीके से चम्मच से चेक कर लेंगे। जो लास्ट की ड्रॉप है वो बहुत धीरे आती है। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें घी लिया है। घी को अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद मैंने ब्रेड रोल को इसमें डाला है, इसे डीप फ्राई करना है। इसमें मैंने घर का बना हुआ मावा यूज़ किया है। अगर आप घर में मावा बनाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने शेयर की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट का मावा यूज़ करते हैं ब्रेड रोल बनाने में, तो इसके लिए आप मावे को पहले हल्का सा भून लें और जब मावा हल्का सा गर्म रहे तब उसमें शक्कर मिक्स करें। 2 चम्मच शक्कर लें अगर आप क्वांटिटी यही रखते हैं तो। इसे इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से सिक गया है, इसे दूसरी तरफ फ्राई कर लेंगे। सभी ब्रेड रोल को इसी तरीके से फ्राई करना है। फ्राई हो गया है ब्रेड रोल। निकाल लेंगे इसे कढ़ाई से। इसके बाद इसे चाशनी में डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए मावा ब्रेड रोल को चाशनी में डिप करके रखना है। इसे बीच से कट कर लेंगे, हल्के हाथ से कट करना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।